मैंने आपको कितनी बार कहा आपको यहाँ से जाना होगा, मतलब जाना होगा। आई का फोटो कहाँ गया मेरा और आई का फोटो? सिद्धू मास्टर, सिद्धू आजा। शेरनी है मेरी सिद्धि शेरनी, तभी तो मैंने इसका नाम सिद्धि रखा है। आजा ना, आजा। देखा सिद्धू, कहा था ना मैंने तू जल्दी वापस आएगी, आ गई ना। वंचरी मौसी, विनायक काय झालं? मेरी शक्ल देख के तुझे इतना सदमा क्यों लगा? इतनी भयानक लग रही हूँ क्या मैं? नहीं नहीं मौशी, ऐसी कोई बात नहीं। तो कैसी बात है ताई, तुम वापस क्यों आ गए? कहीं मेरा भांडा फोड़ने तो नहीं आई? क्या हुआ सिद्धू मास्टर, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, वो मेरा कुछ सामान रह गया था वो लेने के लिए आई बस। ये तेरा ही घर है बाड़ा, जब मर्जी हो चली आना। अब आई हो ना तो हम लोगों के साथ खाना खा लेना, चलो। नहीं मौशी, इस वक्त थोड़ी जल्दी है मुझे, फिर कभी। सिद्धू, मिसेस कुंद्रा, मुझे आपके चेहरे पे ऑइंटमेंट लगानी है, सो प्लीज। जो बात मैं इतने दिनों से छुपा रहा था वो इस तरह से सिद्धि के सामने आई कि मैंने सोचा भी नहीं था। अब तो सिद्धि को पता ही चल चुका है कि मैं ही उसका वीन हूं, पता नहीं वो अब क्या करेगी। हाँ बाबा, मैं 24 घंटे तक अपने पैर में ये सैंडल पहन के रहूंगा। बप्पा शक्ल, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया था। किसको? है कोई जिसे ढूंढने में मैंने बहुत देर कर दी। एक बार उस गवाह का नाम और पता चल जाए बस, उसके बाद मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। शंकर कुंद्रा उसे चीर के रख देगा। Thank you.
देख करके सिद्धु मास्टर को तेरी सारी असलियत पता लग चुकी है, ठीक है? अब तू सीधे जा और बात कर उससे। या क्या बात करूँ उससे? वो तो मुझसे पहले नफरत करती है और ये सब जानने के बाद मुझसे दोगुनी नफरत करेगी। वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या सोचेगी, क्या नहीं सोचेगी, तू मत सोचिए सारी बातें, सीधा जा और बात कर उससे। जा ना। खुश रहे। क्या हुआ सिद्धू? सिद्धू इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों चली गई? वो पता नहीं, मैं देखता हूँ। सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि मेरी बात सुन लो एक बार। सिद्धि, सिद्धि एक बार मेरी बात सुन लो। सिद्धि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ तुम मेरी बात तो क्या मेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं करोगी, लेकिन सिद्धि प्लीज, प्लीज। क्या सुनूं मैं? और क्या सुनने को बाकी रह गया है मिस्टर विन कुंद्रा? हाँ, उर्फ विनायक तलवार, उर्फ वीनू, तुम जानते थे ना कि मैं सिद्धि हूँ, फिर भी तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई, झूठ बोला मुझसे, क्योंकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता था कि मैं विनायक तलवार से कितनी नफरत करती हूँ। वो विनायक तलवार जिसकी वजह से मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बद से बदतर हो गई, वो विनायक तलवार जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ विनायक तलवार से। नफरत करती हूँ मैं हर एक उस चीज से जो मुझे विनायक तलवार की याद दिलाती है। नफरत है मुझे बचपन की हर एक उस याद से जो तुमसे जुड़ी हुई है। मुझसे और फिर दोबारा मुझसे कभी मिलने की या बात करने की कोशिश तक मत करना, समझे तुम? सिद्धि, सिद्धि मेरी बात सुनो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। 14 सालों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, एक बार मैं तुमसे बात कर लूँ, अपने दिल की सारी बातें बता दूँ। सिद्धि प्लीज, मैं मिस्टर कुंद्रा, मुझे जाने दीजिए। सिद्धि, सिद्धि, ये क्या मिस्टर कुंद्रा लगा रखा है? मैं तुम्हारा वीनू, तुम्हारा विनायक, तुम्हारे बचपन का दोस्त हूं सिद्धि। नहीं, ना तो विन कुंद्रा का और ना वीनू का ना मेरी जिंदगी में कभी वजूद था और ना होगा। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं सिद्धि, हम तो फिर भी इंसान हैं। एक गलती की है तुमने, और एक गलती नहीं गुनाह किए, वो भी कई सारे। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, वो शायद मैं भूल भी जाऊं, लेकिन मेरे बाबा के साथ जो किया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उस रात हमारा सब कुछ खत्म सा हो गया, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार हमें वहां छोड़कर चले गए, उन सारी परिस्थितियों और मजबूरियों के साथ जिनके साथ हम आज तक लड़ रहे हैं। एक बार भी तुमने या तुम्हारे परिवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा ये जानने के लिए कि हम जिंदा भी हैं या फिर मर गए। मेरे बाबा,
जिनके जज्बे का लोहा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मानता था, जिनके इशारों पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट चलता था, उस रात के बाद वो अपने पैरों पर नहीं चल सकते। बाबा जिंदा तो है, लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो दूसरों पर बहुत आज हो। हाँ विनायक तलवार, मेरे बाबा की जिंदगी सिर्फ एक व्हीलचेयर तक सीमित होके रह गई। ना तो मेरे बाबा अपने आप चल सकते हैं, ना अपना कोई काम अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड है। अनिकेत काका अपाहिज हैं? हाँ मेरे बाबा अपाहिज, और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो विनायक तलवार। तुम्हारी वजह से हमने इतनी जिल्लतें, इतनी परेशानी, पता नहीं क्या क्या नहीं सहन किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बाबा ने तो जीने की चाह छोड़ दी, कितनी बार उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की, इन 14 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हम में से कोई ना कोई उनके साथ ना रहता, क्योंकि हर पल हमें ये डर सताता था कि कहीं बाबा अपनी जान ना ले। मुझे माफ कर दो सिद्धि, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे उसकी खबर तक नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, लेकिन सिद्धि मैं सिर्फ 10 साल का था, वो जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। सिद्धि मैंने अनिकेत काका को जानबूझ के धक्का नहीं मारा। मान लेते हैं कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, लेकिन उसके बाद 14 सालों में एक बार भी तुमने पीछे मुड़ के देखा, एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि मैं और मेरा परिवार कैसी स्थिति में, तुम सब कुछ छोड़ के बस चले गए। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। इन 14 सालों एक बार भी तुम्हें हमारी याद नहीं, हमारा ख्याल तक नहीं आया। क्यों तुमने एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की? क्यों तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की तुम्हारी सिद्धि कैसी है? क्यों क्यों नहीं आए तुम मुझसे मिलने के लिए? हाँ बोलो, क्यों नहीं आए? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं, क्योंकि सब कुछ तो था तुम्हारे पास, तुम अपनी जिंदगी में खुश थी, नाम पैसा शौहरत सब कुछ। ऐसा नहीं है सिद्धि, 14 सालों तक मेरे परिवार ने मुझे मुंबई से दूर रखा, मुझे आने नहीं दिया, लेकिन हर रात मैं ये सोचता था कि काश मैं ये काली रात अपनी जिंदगी से मिटा पाऊं, हर एक दिन मैं ये सोचता था कि मैं काश तुमसे मिल पाऊं, तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग पाऊं, अनिकेत काका से माफी मांग पाऊं। मेरा यकीन करो सिद्धि, मैं सच बोल रहा हूं। तो अब झूठ बोलना भी सीख लिया तुम, क्योंकि सच तो ये है कि ना तो आपको हमारे परिवार की कोई परवाह है और ना ही हमारी दोस्ती की कोई कद्र। ये विनायक तलवार नाम का जो पन्ना है ना, मैं अपनी जिंदगी से बहुत पहले निकाल चुकी हूँ, और आज मैं विन कुंद्रा नाम के पन्ने को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालती हूँ। ना तो विन कुंद्रा और ना विनायक तलवार मेरी जिंदगी में कभी दोबारा आएंगे, ये वादा है मेरा अपने आप से। दो दिन, सिर्फ 2 दिन और, 2 दिन बाद कोर्ट में हम आखिरी बार मिलेंगे। 2 दिनों के बाद कोर्ट में जाई के केस की हियरिंग है, तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा मिलेगी और मुझे मेरा इंतकाम। Let's go.
सिद्धि सुनो सिद्धि 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 छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना है तो ये क्यों सिसक के हवाएं जग सुना लगे छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे रे बहुत शातिर है ये प्राची रीता मुझे नजर रखनी पड़ेगी इस पे बेबी तुमसे कितनी बार बोला है कि सिगरेट के धुएं से मुझे एलर्जी होती है और तुम भी ना एलर्जी तो मुझे तुमसे भी है लेकिन मैं तुम्हें जेल रही हूँ ना क्या हुआ मेरी बेबी को अरे तुम्हें सिगरेट पीनी है ना तो पियो ना सिगरेट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम तो मुझे इस प्राची की बच्ची से है कल की आई हुई लड़की मेरी बराबरी करेगी वो कौन तुम्हारी बराबरी करना चाह रहा है अरे तुम तो बेस्ट हो यू आर द बेस्ट और प्राची प्राची की बच्ची को तो हम मुझे अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखना पड़ेगा अरे अंगूठे क्या तुम तो उसको पैरों के नीचे दबा देना मेरी बेबी का मूड खराब हो गया मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ तुम्हारे लिए ड्रिंक बना के लेके आता हूँ ये लो तुम्हारी फेवरेट विस्की मेरे प्यारे बेबी मेरा प्यारा बूंदी का लड्डू कौन है मैं हूं ताई आप वापस आ गई हाँ अद्वित वो मैं आ गई तू इस वक्त कहाँ जा रहा है वो कुछ काम था अच्छा वो तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस उसके लिए जा रहा होगा ना ठीक है तू घर वापस आ जा फिर हम लोग बैठ के बात करते हैं बात क्या करनी है ताई आपको पता तो है ना कि मैं वेटर का काम करता हूँ क्यों आप चेहरे पे नमक छिड़क रही हो
सफेद वो मुझे कैसे ये सब पता होगा? मैं इतनी भी अनजान मत बनो ताई। मतलब ये कि जब आप उस फिन कुंद्रा के पार्टी में नाच रही थी तब आपने मुझे वहां नहीं देखा। वाह ताई वाह, आउटडोर असाइनमेंट, ऊटी में शूट। हम सबसे कितना बड़ा झूठ बोला आपने, वो भी कितनी सफाई से, जबकि सच तो ये है कि आप लोगों के महफिलों में नाचती हो।